जरा झुका के चलना, ए झुका के चलना, झुका के चलना। ये जो स्कूटर देख रहे हैं ना आप, यही हाल आजकल कुछ न्यूज चैनल का है, जिन्हें चलाने के लिए किसी एक तरफ झुकना पड़ता है और दूसरी तरफ है आज तक की सवारी, जो बिना किसी पक्ष या विपक्ष की तरफ झुके हुए सच के साथ शानदार चल रही है पिछले 20 सालों से। कुछ भी झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? बना के रखते हैं, भड़वा समझे है क्या? गांड में गोली मार दूंगा, एक लाइव बोल रहा हूँ। मजा आया। एक सेकंड, इलियास शराफुद्दीन, आपके नाम में भी शरीफ शब्द है, थोड़ा सा जब महिला बोल रही है तो सुन लीजिए। मोदी शब्द है क्या? अंजना मोदी हो गए थे बीच में आप। थोड़ा सुन लीजिए। मोदी शब्द है क्या? अंजना मोदी हो गए थे बीच में। हूँ अंजना, हो शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। सर ये अटैक जो हाईवे पे हुआ, थोड़ी मर्यादा रखिए। द्वारका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से सवाल पूछना एक पत्रकार को महंगा पड़ गया। जबलपुर में एक पत्रकार ने जैसे ही शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद से ये सवाल पूछा कि मोदी और केजरीवाल में बेहतर पीएम कौन, थप्पड़ जड़ दिया पत्रकार पर। स्वामी जी, अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते तो सुनिए, मैंने अंजना जी से सिर्फ 10 मिनट, सुनिए मेरी बात, मैंने अंजना जी से सिर्फ 10 मिनट दिया था, आप ऑलरेडी 20 मिनट ले चुके हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो नाउ, मेरा काम भी करना भाई सब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना है मेरे को। जाहिर सी बात, आपके पास वक्त नहीं है, कोई बात नहीं जी। जी 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 जी, जी। देखते रहिए आज तक। क्या सीन है? हां मैं कहता हूं भाई, आज तक मेरे आज नहीं इधर देखो, आज तक चैनल जेड़ा बकाऊ चैनल है मोदी दा, मोदी दा खरीदा हुआ चैनल है, इन्होंने एक भी खबर अज तक जिमीदारा दी नहीं दिखाई, भी रेलां ते पटड़ियां ते बैठे ने, सड़कां ते बैठे ने, धरने लगे हुए ने, जिन्ना चिर इत्थों माफी नहीं मंगदे सातों, असीं इन्हां नूं जान नहीं दिंदे, असीं बन्ने होए ने इत्थे बिठा ले। भगवान, सत श्री अकाल गोदी मीडिया जी, हम पंजाब में 2 महीने से बैठे हैं, आप कहाँ थे, आज यहाँ आ गए हैं तो आप करा रहे हैं, ऐसे है गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गो बैक। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। जनता के सामने मैं एक शब्द बोलूंगा और आपको जो भी ख्याल आए आपको वो ख्याल बयान करना है, समय नहीं ले सकते आप सोचने का। नहीं, मीडिया, और मैं मानता हूं कि सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में वही फर्क है कि आप टीआरपी छोड़कर भी सच दिखा पाए। यहां आज तक के हम इस कार्यक्रम में बैठे हैं और आज तक जो है सर्वश्रेष्ठ चैनल है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम में जो फर्क होता है ना, वो अभी भी है। मीडिया पे बहुत कुछ बोलना है असल में, क्योंकि लिख के लाए हैं। नहीं, लिख के नहीं लाया हूँ, कुछ डेटा है जो मैं दिखाना चाहता था, बताना चाहता था। मेरे पास सिर्फ एक छोटा सा डेटा है, मैं 1 मिनट और लूंगा। 200 में से 80 बार पाकिस्तान की बात हुई है और अपने देश के मुद्दों पे कोई बात नहीं हुई है, क्योंकि मीडिया इस समय हिंदुस्तान में सिर्फ माचिस नहीं लगा रहा है, बारूद भी लाया है, माचिस भी लगा रहा है, उसके बाद उस माचिस और बारूद से जो धमाका हो रहा है उसको शूट भी कर रहा है और उससे फिर टीआरपी भी बटोर रहा है और फिर कह रहा है देखो ये क्या हो रहा है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। I make your speakers bang.